हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इलेक्शन चैनल। माय नेम इज आयुष पासवान और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और भूतिया है। आपसे एक बात शेयर करता हूँ, वैसे आपने भी कभी ना कभी फील किया ही होगा, आप में से किसी ने, ऐसा होता ही है, लोग हर 4 में से 2 बंदों को फील हो जाता है। आपने कभी फील किया कि आप कभी सोए नींद में हो, सोए हुए हो और आपको एकदम से ऐसा लगता है कि कोई आपकी छाती पर बैठ गया है, या फिर किसी ने आपका जो है गला दबाया हुआ है, या फिर आप आधे जागे हुए हो नींद से पर आपकी बॉडी जो है हिल नहीं रही है। ठीक है, आपको कभी ऐसा फील हुआ है? मुझे हुआ है और बहुत बार हुआ है। इवन बचपन में मुझे याद है, मुझे काफ़ी बार हुआ है कि मैं ना आधा जाग गया हूँ, मतलब मुझे सुनाई दे रहा है कि आसपास क्या हो रहा पर मैं ऐसे उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है वो। फिर एकदम से आप जब उठते हो तो सांस जो है मतलब एकदम से आपकी मतलब ऐसा होता है कि जैसे किसी ने गला दबाया हुआ आपका। ये भूतिया सी फीलिंग जो है बहुत बार वो फील की है मैंने, और खासकर जब मैं गांव में होता हूँ ना तब ऐसी फीलिंग जो है आती है, पता नहीं क्यों। और अभी मैं जब गांव में था गया तो मेरी बुआ का जो घर है उनके ना घर में एक लास्ट वाला रूम है, उसको भूतिया रूम कहते हैं। कोई भी उसमें सोता है ना तो उसको रात में ना ऐसा लगता है कि जैसे कोई छाती पे बैठा होगा या फिर कोई गला जो है दबा रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, और आज की वीडियो इसी पे है कि स्लीप पैरालिसिस क्या होती है और क्यों होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात की क्यों होता है, क्योंकि भूत भूत जैसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं तो नहीं मानता हूँ भूत भूत में, अगर आप में से कोई मानता है तो बढ़िया है, फिर तो आपको वो जो है पता ही है कि भाई ये सब क्यों होता है। पर जो नहीं मानते हैं उनके लिए वीडियो है, और जो मानते हैं वो भी देख लें। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक टाइम से पहुँचाते रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1, 2, 3। आपके सपने में कोई मॉन्स्टर या फिर कोई डीमन आकर आपका गला दबा रहा है या आपके चेस्ट पर बैठा हुआ है, जिस वजह से आप सांस भी नहीं ले पा रहे, आप अभी नींद से मैं बोला जाग था ना जाते होता हैं, है, कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, ये वाली अपनी फीलिंग आती बॉडी है को मूव मुझे करना चाहते हैं पर एकदम से उठ मूव के, भी नहीं कर पाते। आप में से काफ़ी सारे हंसी लोगों ने वाली। ये एक्सपीरियंस किया होगा। ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि ये सपना है या कोई हकीकत। इस एक्सपीरियंस को नाम दिया जाता है स्लीप पैरालिसिस का। आज की इस वीडियो में हम इसी स्लीप पैरालिसिस की बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साइकोलॉजी क्लासेस स्लीप पैरालिसिस को काफ़ी सारे लोग बीमारी की तरह देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन है। काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि स्लीप पैरालिसिस आपकी किसी मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ा हो। हाँ, कई बार ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड या फिर एक आध मिनट के बाद ही एक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। चलिए वो इसको तो है, डिटेल में जान लेते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस पर करते हैं बंदा तो डर आपको दूर से ज़्यादा जाता डर कि मतलब ना क्या लगे। हुआ था। स्लीप पैरालिसिस को पुराने टाइम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़कर देखा अब भी जाता था। जोड़ते हैं, आज भी जिन लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती या फिर इस बारे में नहीं पता वो होता, भूत ही वो कहते हैं इसे ऐसे। इन्हीं सब चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। और माना जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि कोई बुरी आत्मा या फिर कोई साया उस वक्त आपके रूम में मौजूद है। स्लीप पैरालिसिस मोस्टली दो कंडीशंस में होता है। पहला, जब हम लगभग सो चुके हों या फिर सोने ही वाले होते हैं, और दूसरा, जब हमारी नींद पूरी हो चुकी हो और हम उठने वाले हों। इस तरह की कंडीशन में इंसान चाहकर भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, बोलना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कई केसेस में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है। सिम्टम्स बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें बॉडी को हिला ना पाना, बोल ना पाना इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे सोते हुए भी कॉन्शियस फील करना, चेस्ट पर अजीब दबाव महसूस करना, पूरी बॉडी में किसी भी तरह की कोई सेंसेशन ना होना, स्वेटिंग, मसल पेन, हेडेक वगैरह भी कॉमनली देखे जा सकते हैं। और इन सब के अलावा हेलुसिनेशंस भी देखे जाते हैं। ये नहीं हुआ ये मुझे। हेलुसिनेशंस सभी तरह के हो सकते हैं, जैसे विजुअल हेलुसिनेशंस, यानी कुछ ऐसा दिखाई देना जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर उस वक्त उस रूम में मौजूद नहीं होता।
ज़्यादातर इस तरह के हेलुसिनेशंस में लोग मॉन्स्टर को या फिर किसी अजीब तरह के क्रीचर को देखते हैं या फिर महसूस करते हैं। इसके बाद आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, यानी अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देना। और लास्ट है सेंसरी हेलुसिनेशंस, कुछ ऐसा महसूस करना जो वहाँ पर है ही नहीं। इतना एक्सट्रीम नहीं हुआ कभी मुझे। आपको फील होता है कि कोई आपका गला दबा रहा है या फिर आपके चेस्ट पर कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ है, ये तो हुआ। जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन होती है। चलिए अब देखते हैं कि स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है। हम अपनी स्लीप साइकिल के दौरान दो स्टेज से होकर गुजरते हैं। पहला होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और दूसरा होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको REM स्लीप कहते हैं। NREM स्लीप में हम सपने नहीं देखते और इससे होकर ही हम REM स्लीप तक पहुंचते हैं। REM स्लीप के दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है और यही वो स्टेज होती है जिसमें हम सपने देखते हैं। REM स्लीप की एक खासियत ये है कि इसमें हमारी सांस लेने और आंखों के अलावा कोई भी मसल काम नहीं करती। ऐसे सिग्नल्स हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को दे देता है, यानी हमारी सांसें और आंखें एक्टिव होती हैं और बाकी सारी बॉडी स्टैंड बाय मोड पर चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है। असल में हमारे ब्रेन का ऐसा करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हम ड्रीम में जो भी देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रियलिटी में अपनी बॉडी को वैसे मूव ना करें। सपोज़ अगर ड्रीम में आप हीरो बने हुए हो और विलेन को मार रहे हो, अगर आप REM स्लीप में नहीं हुए या फिर आप अपनी बाकी की बॉडी को ड्रीम की तरह ही मूव करने लगे तो आपके बराबर में जो इंसान सो रहा है वो तो बिना बात के ही विलेन वाली फीलिंग लेने लग जाएगा। बस इसी से बचाने के लिए हमारा ब्रेन बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स को स्टैंड बाय मोड पर भेज देता है। इसी से कनेक्ट होता है हमारा स्लीप पैरालिसिस। जब कोई इंसान रैपिड आई मूवमेंट के बीच उठ जाता है तो उसका ब्रेन पूरी तरह से अलर्ट होता है, उसकी आंखें भी खुली होती हैं, लेकिन उसके मसल्स काम नहीं कर रहे होते। यानी हमें लग रहा होता है कि हम जाग रहे हैं लेकिन असल में माइंड में सपने चल रहे होते हैं, जिस वजह से हमें ये हेलुसिनेशंस होते हैं कि हमें कोई देख रहा है या फिर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई हमारा गला दबा रहा है या फिर कोई हमारे चेस्ट पे बैठा हुआ है। 14 से 26 एज ग्रुप के 10 में से 4 लोग इसे कभी ना कभी फील कर चुके होते हैं। ये कोई खतरनाक या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे साल में या फिर 6 महीने में एक बार फील करते हो तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप यूजुअली ऐसा फील करते रहते हो या फिर बार बार ऐसा फील करते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि इससे इंसान में स्ट्रेस और एंजाइटी के पैदा होने का खतरा होता है। बार बार ऐसा होने से इंसोम्निया की शिकायत भी देखने को मिलती रहती है। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको कहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे बार बार फील करते हैं तो आपके लिए इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहला, अल्कोहल बिल्कुल ना लें। सोने का एक फिक्स टाइम रखें, बिना वजह देर रात तक ना जागें। मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। सोने से ठीक पहले कोई मूवी या हॉरर वीडियोस ना देखें। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखें तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किस तरह का स्लीप पैरालिसिस आपने फील किया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। बस आज के इस वीडियो के लिए। सो जिसने फील किया है प्लीज शेयर करो अपने, ताकि हमें नॉर्मल लगे, मेरे जैसे लोगों को नहीं भाई और भी लोग फील करते हैं, क्योंकि सही यार बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है ये। ऐसे लकली टच वुड मैंने किसी मतलब 2-3 साल से ऐसा कुछ फील नहीं किया है। इवन मेरे को तो सपने भी नहीं आते हैं यार। आप लिटरली मुझे कोई सपना याद नहीं आता। मेरे को एक बार याद है कि एक बार मुझे ना मैं सपना देख रहा था और जैसे ही मेरी आँख खुली भूल गया कि मैं सपना क्या देख रहा था। मुझे सपने याद नहीं रहते हैं, मुझे सपने शायद आते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, पर मुझे सपने आते नहीं शायद, या फिर आते होंगे पर मुझे याद नहीं रहते, जागने के बाद मैं भूल जाता हूँ। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा कि मैं ही बस जो है मतलब एक्सेप्शनल केस हूँ, जो जिसे भाई सपने शायद आते ही नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यू अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, ताकि हमें भी थोड़ा फील हो कि भाई नहीं नॉर्मल हूँ मैं, मतलब सही में कभी कभी लगता है मैं शायद अब नॉर्मल हूँ, जो मुझे सपने ही नहीं आते। या फिर मुझे एक सपना याद है बस आज तक, सिर्फ एक सपना, वो भी पता नहीं कैसे, वो भी बड़ा डेंजरस था। मैं गाँव में था और ऐसे खतरनाक सपने मुझे गांव में ही आते हैं,
गड्ढा था, मेरे पीछे पड़े हुए थे डाकू, और भागते भागते मैं उस गड्ढे में गिर गया, और वो गड्ढे के बीच में मैं यहाँ पर हूँ, और गड्ढे के आसपास जो है डाकू जो है अपने घोड़ों के साथ खड़े हो गए, और मेरी तरफ बंदूक जो है अपनी एम कर रखी है मेरी तरफ, और बंदूक ऐसे मतलब चलाने वाले थे कि मैं चीख पड़ा, सपने में चीखा पर एक्चुअल में असली में भी मैं चीख गया था वो। और मेरे साथ मेरे जो है मामी थे साथ में सोए हुए, मैं उनके घर पे था, और वो फिर वो भी जो है डर गए कि पता नहीं क्या हो गया उसे। तो एक बस ये सपना मुझे है याद, डरावना सा, और तो कोई सपना मुझे है नहीं याद। और हॉरर मूवीज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक बार देख लूँ तो हफ्ता भर मैं सो नहीं पाता हूँ, डर लगता है यार। वैसे मैं भूत भूत में मानता नहीं हूँ, पर लग जाता है डर, क्या करें। चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आई होप आपको ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा ना हो, वरना नींद खराब हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय, टेक केयर।